Hello everyone, I am founder director of Gurukul Group of Educational Wing Mongoldoi. We have here two campus, higher secondary section is separated from CBSE campus and higher secondary section is affiliated to Assam Higher Secondary Education Council. Affiliation code is 061646. So this video is for regarding admission of SS first year. So our admission process started and online classes is also going on. So the student who got 90% and above in class 10 who are from Seva board will get free admission. Okay. कोई अगर ऐसा है जो 94% से 94% और उससे ज़्यादा मिला है क्लास 10 में जो सेवा बोर्ड से पास आउट हुआ है उनको हम लोग फ्री एडुकेशन देंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट हु गॉट 85% एंड अबव विल गेट कॉन्सेशन एज पर इंटरव्यू रिकॉर्ड. और किसी का 85% से ज़्यादा मिला है अगर इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा करे बा टेक्निकली देयर स्ट्रॉन्ग so they will get concession as per requirement. Third is financially poor student will get support as per requirement. जो student financially poor है जिनका financial support नहीं है so they will get support as per requirement. And our facilities are we have upgraded laboratory, highly experienced faculties, coaching classes especially JEE Mains and for NEET, online classes during lockdown jab tak chalega hum log we are keep providing online classes. We have isolated noise free green campus because it is situated in isolated place. Next is motivation and guidance. This is most important. Generally dekha gaya ki ye time mein na student divert hone ka chances hota hai. So hum log strongly motivate karte good marks to lena hi hai but how hum log ek kaise ek acha aadmi ban sake uske liye we generally give motivation. And class test after completion of every unit, we generally used to take class test, sample entrance test after completion of what units to check whether they learn the content or not. So again we give revision classes as per requirement. Hostel facilities available. And one thing is that student who are staying who want to would like to stay in hostel, उन लोग का बहुत फायदा होता है. Generally यहाँ पे हम लोग सुबह बच्चे को जल्दी उठा के एक्सरसाइज करा के फिर क्लास फिर आपका एक्स्ट्रा क्लासेस फिर स्टडी और मेंटेन तो होल डे दे आर मोटिवेटेड टू बी बिजी इन देयर स्टडीज. तो हैबिट वगैरह बहुत चेंज होता है. हैबिट चेंज होना बहुत ज़रूरी है. सो आवर अचीवमेंट इन ईयर 2019 मीन्स फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था 2019 में 20 स्टूडेंट अपीयर हुआ था उसमें से 20 स्टूडेंट पास हुआ है 100% पास है. डिस्टिंक्शन एक को मिला है नाम नातुम स्टार मिला है 6 स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन 6 स्टूडेंट एंड सेकंड डिवीजन 7 स्टूडेंट एंड फर्स्ट बैच था. फर्स्ट बैच में स्टूडेंट का भी उतना क्वालिटी अच्छा नहीं था टोटली न्यू था हम लोग स्कूल बट हम लोग काफ़ी मेहनत किया है इसके ऊपर तो काफ़ी हम लोग एक्सेलरेट किए. फिर 2019 का जो एंट्रेंस एग्जाम है सो नवम नाथुम उसमें ऑलमोस्ट ऑल एंट्रेंस पे क्रैक हुआ था. जितना अपीयर हुआ था एनी टू मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एंट्रेंस होता है उसमें 6 रैंक मिला था उसको ऑल इंडिया रैंक. कॉमन एंट्रेंस क्वालिफाइड हुआ था जेई मेन्स जेई एडवांस एंड नेक्स्ट जागृति बोरा जेई मेन्स क्वालिफाइड हुआ था सॉरी यूनिवर्सिटी में वो बीटेक कर रहे हैं. तो काफ़ी स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था लेकिन किसी किसी को ना अच्छा कॉलेज नहीं मिला बोल के फिर ड्रॉप किया है. बट फर्स्ट बेस के हिसाब से कम स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट था. 2020 में अभी तक फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है. वेट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है
बट जो जनवरी में जो जेई मेन्स एग्जाम होता है इस बार, आजकल जेई मेन्स का जो एग्जाम होता है वो दो शिफ्ट में होता है, एक होता है जनवरी एक होता है आपका अप्रैल, लेकिन इस बार अप्रैल में भी नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड हुआ है, वो पेंडिंग है, मेडिकल का भी पेंडिंग है। लेकिन जेई मेन्स का जो जनवरी एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट सबका मैथमेटिक्स नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो जिसका मैथमेटिक्स शिफ्ट एम है वही सिर्फ अपेयर होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस से। तो 700 स्टूडेंट आपका अपेयर हुआ था जिसमें से 11 स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है। अभी तो कॉलेज नहीं मिला क्योंकि एडमिशन हुआ है नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन कितना है, अच्छा परसेंटेज में 11 स्टूडेंट अच्छा परसेंटेज में क्वालिफाई हुआ है। नेक्स्ट इज आवर फैकल्टीज। तो माई सेल्फ दुर्लभ, बी टेक फ्रॉम NIT पटना, एम टेक फ्रॉम नेरिस्ट, एंड आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो आई जनरली यूज टू टीच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और भी टीचर है फिजिक्स का, बट मैक्सिमम पार्ट जनरली मैं ही लेता हूँ। एंड मैं जब बी टेक फर्स्ट ईयर में था, व्हेन आई वाज इन NIT पटना, मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड आई लव टू टीच, मुझे अच्छा लगता है पढ़ा के। एंड आई जनरली यूज टू चेंज मोटिवेशन से मैं माइंड को चेंज करता हूँ जनरली। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है दे विल गेट बेनिफिट। एंड नेक्स्ट इज संगीता अधिकारी, MSc फ्रॉम तेजपुर यूनिवर्सिटी, BEd। सी इज द सी हर सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स, सी विल टीच मैथमेटिक्स। एंड आशीष कुमार, MSc मैथमेटिक्स, ही ऑल्सो विल टेक मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चंद्रकमल शैकिया, बी टेक NIT सिलचर। चंद्रकमल शैकिया सर फिजिक्स का मैकेनिक्स पार्ट जनरली पढ़ाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज कोयल भट्टाचार्य, MSc MPhil फ्रॉम बर्धमान यूनिवर्सिटी, सी विल टीच बायोलॉजी। एंड फॉर इंग्लिश फारना मैम इज देयर, सी इज MSc, सॉरी MA BEd इन इंग्लिश। सो मेनली स्टूडेंट हु वॉन्ट टू क्रैक मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस, दे कैन कम हियर, हियर वी आर प्रोवाइडिंग ए गुड फैसिलिटी फॉर दैट। एंड मैं फिर से बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आप फोर्सफुली साइंस में एडमिशन नहीं लेना। अगर आपको आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप इसमें टाइम दे सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्वालिटी टाइम दे सकते हो, देन ओनली यू कैन यू शुड कम। अदरवाइज मैं देखा है जिसका इंटरेस्ट नहीं है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्लास 10 में अच्छा परसेंटेज मिल गया, बट किसी का फोर्स में बात देखा देखी करके आ गया, तो वो बाद में डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप दिल से पूछना, आप साइंस के लिए रियली बना है, साइंसेस को साइंस का जो एनालिसिस है वो आपको पसंद है, मैथमेटिकल एनालिसिस पसंद है कि नहीं, मतलब आपको मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जैसे आप मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हो उसमें आपका मैथमेटिक्स एंट्रेंस में ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट विदाउट मैथमेटिक्स में आप फिजिक्स अच्छा नहीं कर सकते, केमिस्ट्री अच्छा नहीं कर सकते हो, आपका एक्यूरेसी कम होगा। सो आप मेडिकल एंट्रेंस दो या आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस दो, आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और हम लोग देखा गया मेनली ना, जो साइंस में एडमिशन लेते हैं उसको एकदम टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना भी टाइम मिले उतना उसको अपना पढ़ाई में देना चाहिए। ऑनेस्टली अगर स्मार्टली अगर क्वालिटी टाइम पढ़ाई में देते, सक्सेस नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। ओके, बट दिल से लगना है, ऑनेस्टली वर्क करना है। कोई भी देखिए यहाँ पे स्कूल का काम होता है एक अच्छा कंटेंट देना, कंटेंट को जो कंटेंट होता है जो अपडेटेड कंटेंट होता है वो एकदम स्मार्टली समझाना होता है। बट सिर्फ स्कूल अच्छा करने से नहीं होगा, बच्चा भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बच्चा भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है थोड़ा भी टाइम दे देता है वो ग्रो कर जाता है, लेकिन जो टाइम नहीं देता है, जो जिसका माइंड बहुत फ्लक्चुएशन होता है उनको बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई है जो टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, आप आओ मुझसे बात करो, आई विल सपोर्ट। इनफैक्ट मैं बहुत सारे स्टूडेंट को फर्दर स्टडी के लिए भी हेल्प किया, हाँ हेल्प किया है। तो उस टाइप से मैं देखूंगा, अगर कोई रियली एक गुड फ्यूचर है, सोसाइटी का अच्छा काम आने वाला है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रगल करके मेरा जो स्कूलिंग है
मेरा जो इंजीनियरिंग हुआ है बहुत स्ट्रगलिंग में गुजरा है, बट मैं हमेशा पॉजिटिव रहा है। एक बात मैं बोलूँ आपको, दिल से बोल रहा हूँ, जो आप अगर रियली आपका फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम है उसमें आपको शर्माना नहीं है, वो आपका पास पॉइंट है। आप लकी हो कि आप, एक डिजायर होगा माइंड में कि आपको कुछ करके दिखाने के लिए, जो लाइफ में तकलीफ नहीं मिला, स्ट्रगल नहीं है लाइफ में, जिनको कोई फैसिलिटी पूरा बिल्कुल मिल चुका है उनको उतना बड़ा डिजायर जनरली बहुत कम दिखा जाता है। जो मैं कभी कभी पहले सोचता था जब मैं स्कूलिंग में था वा बहुत प्रॉब्लम्स था, तब सोचता था मैं ऐसा लाइफ क्यों दिया है। अभी मैं सोचता हूँ मुझे ऐसा लाइफ दिया था बोल के लाइफ में इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपका है वो सिचुएशन आप पॉजिटिव ले लीजिए, क्योंकि वही सिचुएशन आप पॉजिटिवली लेने से आपको आपको किसी ना किसी कारण के लिए वो सिचुएशन मिला है और उसको उसी को फायदा उठाना है, तभी आपका लाइफ में ग्रो होगा। एंड एक बात याद रखना, नॉलेज गिव ट्रू हैप्पीनेस। अपना पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं, अब हैप्पीनेस के लिए पढ़ना है, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। पढ़ाई को कोई स्वार्थ के लिए नहीं पढ़ना है, अपना लर्निंग के लिए पढ़ना है, अपना ग्रोथ के लिए पढ़ना है। ओके, एंड डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस, एंड वी शुड ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस थ्रू आवर वर्क्स और स्टडीज। यू आर स्टूडेंट नाउ, यू आर ए स्टूडेंट, देन ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस थ्रू योर स्टडीज। एंड इसी में ख़त्म करता हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है यू कैन कम, एंड माई फोन नंबर इज 8415075655। यू कैन कॉन्टेक्ट, अगेन आई रिपीट द नंबर 8415075655। यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑल्सो। थैंक यू।